हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि लाइब्रेरी रजिस्टर्स, लाइब्रेरी में क्या कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताऊँ। देखिए, वैसे तो लाइब्रेरी में बहुत सारा वर्क अब ऑनलाइन हो गया है, बट क्या है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम मैनुअली भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं लाइब्रेरी में। तो मैं आपको सारे रजिस्टर्स के बारे में बताऊंगी, बट मेरा जो टॉपिक रहेगा उसका मेन हेडिंग रहेगा वो यही रहेगा कि लाइब्रेरी रजिस्टर्स। तो देखिए, लाइब्रेरी में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और वो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग रजिस्टर असाइन किया जाता है। जैसे इशू हो रही है बुक, तो इशू रजिस्टर है, और रिटर्न हो रही है तो रिटर्न रजिस्टर है। ठीक है, उन दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर लगे रहते हैं। और वो भी क्या है, जैसे कोई अकेडमिक इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है या अकेडमिक लाइब्रेरी है, तो वहाँ भी क्या होता है कि हर एक बच्चे का जो है रिकॉर्ड होता है कोर्स के अकॉर्डिंग, उनके नेम होते हैं और उसमें डिटेल दी होती है, जो उनकी हेडिंग्स में डिटेल लगती है, उनका नेम क्या है, उनका कोर्स क्या है, कौन सा ईयर है, ये सारी चीज मेंशन की जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर से है, सेकेंड ईयर से है, कौन से ईयर से है। तो उसके बाद क्या होता है, इशू रजिस्टर हो गया, रिटर्न रजिस्टर हो गया। अब क्या होता है, जनरल्स जो आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उनके लिए भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन की जाती है कि वो मंथली आ रहा है या बाय मंथली आ रहा है, 15 दिन में एक आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है, 4 महीने में एक आ रहा है, या फिर बाय मंथ एनुअली है, मतलब 6 महीने में एक, या एनुअल ईयर या 1 साल में एक आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं हम कि कितने रजिस्टर, मतलब कितने कितने टाइम में आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी है बेसिकली हमारा क्या आता है कि मतलब उनकी मतलब कितने टाइम के अंदर वो लाइब्रेरी में आते हैं, 15 दिन में आ गए तो मंथली, मतलब बाई मंथली। तो मैंने इस तरह से आपको बता दी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या होता है, जैसे जनरल के रजिस्टर होते हैं, वैसे मैगजीन्स के भी होते हैं, उसमें भी यही रहता है कि मंथली आ रही है मैगजीन्स, या बाय मंथली है, 15 दिन में एक है, या 6 मंथ में आ रही है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जो भी मैगजीन्स आती है उनके लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है विथ फ्रिक्वेंसीज उनकी। और उनका क्या है, हर एक जो मैगजीन होती है उसका, जैसे ग्रह मतलब ग्रह शोभा हो गई और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं करके इस तरह से, तो उनका अलग अलग नेम मेंशन करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनका प्राइस दिया होता है, वो भी कैलकुलेट हो जाता है कि भाई ये इतने टाइम में आ रही हैं, इतनी आ चुकी हैं, तो इनका प्राइस इतना ही होगा और हमें इसी अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होती है उनकी। अब मैंने आपको बता दिया इशू रजिस्टर, रिटर्न रजिस्टर और जनरल का हो गया, मैगजीन्स का हो गया, इस तरह से न्यूज़पेपर के लिए भी होता है। जैसे लाइब्रेरी में जो भी न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, जैसे नवभारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, और भी बहुत सारे इस टाइप से न्यूज़पेपर होते हैं, तो वो तो डेली बेसिस पे आते हैं। अब क्या उनको भी, उनका सबसे ज़्यादा होता है कि वो तो डेली बेसिस पे आ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो आप जो भी न्यूज़पेपर किसी भी उसका उठा लें, जैसे द हिंदू ले लें, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर भी है, तो वो तो भाई डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो आपको उनका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट यूज होता है जो वीकली आता है, ठीक है, तो उसका तो कोई वही निकलता नहीं है, मतलब कि वो तो हम लिख देते हैं कि ये एक वीक में एक ही आएगा, लेकिन उसमें क्या है, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं वो हमारे डेली बेसिस पे आते हैं, तो उनका डेली रिकॉर्ड, और ये सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर का ही काम होता है क्योंकि उसका डेली बेसिस पर रिकॉर्ड, तो एक न्यूज़पेपर रजिस्टर भी बनता है। तो इस तरह से हमारे हर एक चीज में, जो लाइब्रेरी में चीजें आती है उनका रजिस्टर होता है। और इसी तरह से जैसे अब क्या है कि हम परचेस करने जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए कोई बुक्स वगैरह, तो उनके लिए भी एक ऑन डिमांड रजिस्टर मेंटेन किया था। ऑन डिमांड में क्या होता है कि जैसे कोई रीडर आया, ठीक है, उसको किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है और वो चाहता है कि ये लाइब्रेरी में अवेलेबल हो,
तो वो क्या करेगा, वो उसको जो है मेंशन कर देता है कि ऑन डिमांड रजिस्टर में कि ये बुक्स हमें चाहिए लाइब्रेरी में, इस ऑथर की है, और ISBN स्पेशली मेंशन कर देते हैं उसमें, जो अगर बच्चों को पता होता है तो। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ISBN क्या होता है, ठीक है, तो इसे आपको पता चल जाएगा। इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो हर एक बुक का एक यूनिक नंबर होता है, वो हर एक बुक पर मेंशन होता है, तो वो लिख देते हैं, या फिर अगर किसी को अपनी बुक के बारे में नॉलेज है तो वो लिख देते हैं, तो ऑथर टाइटल तो मेंशन कर ही देते हैं वो लोग, उसमें बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, सब्जेक्ट मेंशन करके बता देते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम परचेस कर रहे होते हैं किसी बुक को, तो फिर हम उस ऑन डिमांड रजिस्टर की हेल्प लेते हैं, उसको रेफर करते हैं, देखते हैं कि बच्चों को किस किस तरीके की बुक्स की रिक्वायरमेंट है, और जो डॉक्यूमेंट उन्हें लाइब्रेरी कमेटी को इम्पोर्टेंट लगता है कि एक्वायर करना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्वायर भी करना चाहिए, और वो लोग देखते हैं कि भाई इसकी इम्पोर्टेंट है, इसको लाना चाहिए लाइब्रेरी में, और ये ज़्यादा यूजर्स के लिए, सबसे बड़ी चीज़ नंबर ऑफ यूजर्स के लिए कितनी हेल्पफुल है। जैसे कोई अकेडमिक लाइब्रेरी है, उसमें कोई बुक ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो रीडर्स मेंशन करते हैं और स्टाफ को भी लगता है कि इसको एक्वायर कर लेना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे उसमें, वो लोग देखते हैं कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद मतलब किस बुक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये अगर बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो वो उसको ले आते हैं लाइब्रेरी में परचेज करके। तो जैसे को नंबर ऑफ कॉपीज का शॉर्टेज हो गया है कुछ भी, तो वो लेकर आ जाते हैं। तो ये सब बहुत ही, इसमें भी रजिस्टर यूज होता है। बेसिकली आजकल बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं जैसे, लेकिन क्या है अभी यूजर्स जो है ऑनलाइन सर्विसेज से इतने अवेयर तो है नहीं, हालांकि यूट्यूब पे और वैसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन क्या होता है जो जनरली हमारे कंट्री में इंडिया में ट्रेडिशन है वो मैनुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अभी भी बच्चे क्या हैं कि जो इतने नॉलेजेबल नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ कई चीज़ों में भी, और भी कई भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं उसमें मैनुअल रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए रजिस्टर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एक तरीके का हमारा परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये मैंने बताया आपको, फिर जैसे मैंने आपको पहले भी पहले वाले वीडियोस में भी बता रखा है कि एक एंट्री रजिस्टर होता है, जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी एक एंट्री रजिस्टर होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका नेम और आपका मेंबरशिप नंबर, आपका इन टाइम आउट टाइम और साइन, आप ये सब चीज़ मेंशन करते हो। उसका रोल क्या होता है, उसका रोल ये होता है कि उस रजिस्टर के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में डेली बेसिस पे कितने रीडर जो है विजिट कर रहे हैं, लाइब्रेरी की जो है डेली बेसिस रनिंग कितनी है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सब क्या उस ऑन डिमांड रजिस्टर के थ्रू पता लगता है स्पेशली। और जो ये क्या है, ये रजिस्टर लाइब्रेरी की सिक्योरिटी बेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या है, सिक्योरिटी के लिए भी रखा जाता है कि जब कोई भी रीडर आ रहा है इतना टाइम तो वो मेंशन करे, जा रहा है तो इतना टाइम मेंशन करे, तो इस चीज़ के लिए भी रखा जाता है उस रजिस्टर को। तो अब क्या है कि ये सारी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, एक रिकॉर्ड के लिए, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड होता है हमारा, उसके लिए हम ये सारे रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि लाइब्रेरी का अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट करें। तो अब जैसे क्या होता है, एक लाइब्रेरी में स्टेशनरी का भी रजिस्टर होता है, स्टेशनरी मतलब जो भी चीज़ आप लाइब्रेरी में ला रहे हैं, एक कॉपी है या पेंसिल है, या फिर हम देखते हैं कि और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, जैसे कॉपी पेंसिल अगर हम लेकर आते हैं कोई भी रजिस्टर्स वगैरह लाइब्रेरी के लिए ला रहे हैं, या फिर कोई पेंस वगैरह आ रही है ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो हम उसमें मेंशन करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ इसी तरह से आप देखिए। जैसे आप आजकल आप देखिए, जैसे हमने ICT का सॉरी कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कंप्यूटर रूम अलग होता है हर एक लाइब्रेरी में, वहाँ कंप्यूटर रूम होता ही होता है, तो उस उधर भी क्या होता है, एक
एंट्री रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, स्पेशली क्योंकि कंप्यूटर रूम में ही बच्चे ज्यादा ज्यादा पसंद करते हैं। जितने भी रीडर्स जो है आते हैं, आजकल ऑनलाइन सर्विस का ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो लोग क्या करते हैं उधर जाना पसंद करते हैं कंप्यूटर रूम में। तो वहाँ भी एक स्टाफ असाइन किया जाता है तो जो रजिस्टर मेंटेन करता है कि इतने टाइम में बच्चा आ गया, इसमें हमने इसका मेंशन किया कि इस इतने इतने टाइम में आ गया। फिर वो वहां से गया तो फिर इसका आउट टाइम मेंशन किया कि इतने टाइम में ये यहाँ से चला जाएगा, तो वहां भी एंट्री रजिस्टर होता है। अब क्या हो गया, ये सारी चीज खत्म। फिर देन हम आते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि चलो एंट्री, ये एंट्री और एग्जिट हो गई। अब जैसे कि अब हम रेफरेंस सेक्शन में गए, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक रजिस्टर मिलेगा जिसमें एंट्री करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पज से आए हैं यहाँ पे। तो सब जगह एक रजिस्टर मेंटेन होता है लाइब्रेरी के रिकॉर्ड के लिए, तो वो रजिस्टर लाइब्रेरी का रजिस्टर होता है हर चीज के लिए। जैसे अभी मैंने आपको तीन जगह के बताए, एक तो मैंने बताया एंट्री पे, वो तो होता ही है। फिर आप कंप्यूटर रूम में जाएंगे तो वहां पे भी एक रजिस्टर होता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर लिमिटेड है ना, तो अब आप बहुत सारे रीडर्स आ रहे हैं तो आप उनको आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हर एक बच्चे को एक एक घंटा दिया जाता है कि आप एक घंटा यूज करिए, बैठिए और फिर जाइए। तो जैसे ही एक घंटा पूरा हो जाता है स्टाफ आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आपका एक घंटा पूरा हो गया है, आप नेक्स्ट बच्चे को आने दीजिए। तो आप वहां से चले जाते हैं, वो दूसरा जो है सिस्टम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो दूसरे बच्चे के लिए खाली हो जाता है। तो फिर जो दूसरा बच्चा आएगा तो उसको भी सर्विस प्रोवाइड करनी, तो फिर वहां उसको सर्विस दे देते हैं। अब इसके बाद रेफरेंस में ऐसा सब जगह रजिस्टर तो होता ही है, लेकिन रेफरेंस में भी बच्चे जाते हैं तो वहां पे रजिस्टर इसलिए मेंटेन करते हैं कि कहीं कोई आप, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट बहुत प्रीशियस है, वो होम यूज के लिए नहीं होते, ठीक है। तो अब आप वहां गए तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिया तो आप गलती से कहीं उसे वहां से ले ना जाए, तो वहां पे भी स्टाफ असाइन किया जाता है, वो रजिस्टर मेंटेन करता है। कोई भी चीज आप किस पर्पस के लिए आए, कितना टाइम के लिए आए, वो आप उसमें सारा मेंशन करेंगे, जो देखना है देखिए, फिर उसके बाद आप अपना आउट टाइम डाल के वहां से जाए। तो वहां भी रजिस्टर, तो ये रजिस्टर क्या है, रिकॉर्ड के लिए मेंटेन किए जाते हैं और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर जगह लाइब्रेरी में एक रजिस्टर होता है और हर जगह रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इस चीज का। तो लाइब्रेरी में क्या, अब मैं इसको सम अप करने जा रही हूँ, लाइब्रेरी में क्या है, रजिस्टर्स जो भी होते हैं वो एज अ रिकॉर्ड यूज की जाते हैं कि जो भी डेली बेसिस पर रनिंग हो रही है लाइब्रेरी की, तो उसका रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करें, इसीलिए रखे जाते हैं रजिस्टर्स लाइब्रेरी में। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि लाइब्रेरी में सिक्योरिटी हो रही है, हर चीज के रिकॉर्ड बना के सिक्योर हो रहे हैं हम कि अगर कोई बच्चा आ भी रहा है या जा रहा है या कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट या कोई भी मटेरियल लाइब्रेरी का है जो हमने एक्वायर किया है या हमें जिसकी डिमांड आई है, कुछ भी आया है, तो हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड है, सिक्योर है हम कि भाई ये चीज इस तरह से हुई थी, ये चीज इस तरह से हुई थी, हम उसको चेक कर सकते हैं उस रिकॉर्ड। अब क्या है, आजकल जो ऑनलाइन चीजें ट्रांसफर हो रही है जैसे, तो वो भी एक तरीके का रिकॉर्ड ही है जो रजिस्टर फॉर्म में, मशीनिकल फॉर्म में जा रहा है, रजिस्टर फॉर्म से मशीनिकल फॉर्म में जा रहा है, तो लेकिन है तो एक रिकॉर्ड ही, अब बन तो वो रिकॉर्ड ही रहा है, लेकिन जो है मैनुअल सिस्टम हर जगह आप कहीं भी जाएंगे किसी भी लाइब्रेरी में, उसकी इम्पोर्टेंस इक्वली टू अभी ICT के ही है, दोनों को 50-50 दिया जाता है, ना किसको कम ना किसी को ज्यादा। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ पे जो भी, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी लाइब्रेरी होती है वो कहीं ना कहीं अपने मैनुअल रिकॉर्ड को सेव करके रखती है। इसी तरह से अगर आप पीरियोडिकल सेक्शन में भी जाएंगे जहाँ जनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है,
तो वहां पे भी अगर आप जाते हैं तो हर एक जनरल के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कार्डिक्स मेंटेन करते हैं। कार्डिक्स में क्या होता है कि जो भी जैसे हमारा वो जनरल हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री फिल की जाती है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की बात बता रही हूँ मैं आपको, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि उसका एक कार्ड में फॉर्म में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और वो रखा जाता है मैनुअली। मैं इसमें आपको एक पिक डालूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा फ्रंट में कि कार्डिक्स क्या होते हैं, लेकिन वो होता मैनुअल रिकॉर्ड ही है। इसी तरह से क्या होता है कैटेलॉग होता है, कैटेलॉग मैनुअल कैटेलॉग जो होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, तो वो भी रखे जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। तो अब वो भी किस लिए रखे जाते हैं कि आप मैनुअल एंट्री देख सकते हैं, वो मेरे पास है, मैं इन फ्रंट ऑफ वीडियो वो डाल दूंगी ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, तो मैनुअली किस तरह से प्रिजर्व किए जाते हैं, उनकी एंट्रीज बनाई जाती हैं कैटलॉग की भी और कार्डिक्स की भी, जो आपको बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है कि आप देखें कि मतलब उस कार्डिक्स में किस तरीके के रिकॉर्ड है, कि मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें कि मंथली आ रहा है, एक तो आपका जो जनरल है मंथली है वो है, टाइटल है और पब्लिशर कौन सा है, बहुत सारे ईयर क्या है, तो इस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड। लेकिन हर चीज का बड़ी बड़ी लाइब्रेरी भी मैनुअल रिकॉर्ड अपना एज अ रजिस्टर मेंटेन करती। तो क्या कह सकते हैं हम, लाइब्रेरी रजिस्टर इज अ मैनुअल रिकॉर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा आपके लिए लाइब्रेरी रजिस्टर का वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।